एक महिला रात को 12 बजे अपने घर से खेतों की तरफ सोच के लिए जाती है और जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ती है तो वहां जाकर देखती है कि एक डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, जिसे देखकर उसकी अचानक एकदम से चीख निकल जाती है और चीखती हुई भागते हुए अपने घर पहुंच जाती है और अपने पति को इस सब के बारे में बताती है। जैसे ही पति भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है, उससे पहले वहां पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है, काफ़ी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी भीड़ में से एक महिला आती है और आकर जोर जोर से रोने लगती है, दहाड़े मार कर रोती है और कहने लगती है ये तो मेरे पति हैं। फिर खुद ही वो महिला पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, पूरी छानबीन करती है, तो उसमें जो मुजरिम होता है कोई और नहीं, वही महिला होती है जो खुद दहाड़े मार कर रो रही होती है। दोस्तों, जब पूरे मामले के बारे में लोग बागों को पता चलता है, अड़ोसी पड़ोसी उस बारे में जानते हैं, तो सभी लोग उस महिला के बारे में थू थू करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक महिला अपने पति को इस बेरहमी से भी मार सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं उस महिला ने अपने पति को कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है भिंड, और इसी का गोरमी थाना क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिखरौदा गांव। ये सिखरौदा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 14 नवम्बर 2022 की रात को करीब 12:30 बजे जब सब गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब उस व्यक्ति की डेड बॉडी की पहचान होती है तो पता चलता है ये कृष्ण पाल केवट और जिसकी उम्र होती है 38 साल, उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है तो पत्नी का नाम रामकली और उम्र होती है 34 साल। जब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसके बाद छानबीन में लग जाती है। सबसे पहले उसकी पत्नी रामकली से पूछा जाता है तो रामकली कुछ भी बताने के मूड में नहीं होती। वो कहती है कि साहब, मेरा पति का किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं था, मेरा पति तो सीधा साधा था, पता नहीं किसने मेरे पति को मार दिया। फिर अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारकर रात को यहाँ फेंकने वाला कौन होता है। फिर जब गांव के लोगों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का जिसका नाम होता है राजू, जिसकी उम्र होती है 20 साल, वो इस रामकली के साथ अवैध संबंधों में था और वो इसके साथ एक बार यहाँ से भागकर भी जा चुका है। जब पुलिस को इतना सारा मामला पता चलता है तो तुरंत ही पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए रामकली के पास पहुंच जाती है और फिर रामकली से जब सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो रामकली उनसे यही कहती है कि तुम मेरे साथ ज़्यादा सख्ती करोगे तो मैं SP साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मैंने अपने पति को नहीं मारा, मेरे अवैध संबंध उस लड़के के साथ थे लेकिन मैंने अपने पति को नहीं मारा। उस वजह से पुलिस भी उसको वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर पुलिस आगे उस पत्नी की CDR रिपोर्ट निकलवाती है और CDR रिपोर्ट से पता चलता है कि 14 नवंबर को इसने राजू के पास भी फोन किया है और राजू के साथ साथ एक नंबर पर और फोन किया है। नंबर के बारे में पता चलता है कि वो बीर सिंह के पास कॉल किया है। बीर सिंह कोई और नहीं, इसी गांव का एक व्यक्ति होता है और जो राजू का चाचा होता है। रामकली होती है, उसके ऊपर पुलिस का शक पूरी तरह से मडरा जाता है और पुलिस अपनी सख्ती के साथ जब रामकली से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में रामकली टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है और बताती है कि साहब, आज से 9 साल पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों में हमें 4 बच्चे भी हो जाते हैं और हमारा घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही मेरे पति जो कि शराब के आदी हो जाते हैं, डे बाई डे वो शराब पिया कर आया करते हैं और एक दिन का वाक्य होता है जब मेरे पति कृष्ण पाल अपने साथ अपने दोस्त बीर सिंह को लेकर आते हैं, बीर सिंह भी उनके साथ में शराब पीता है और बीर सिंह की निगाहें मेरे ऊपर टिकने लगती हैं, वो मेरे से एक दिन प्यार का इजहार भी कर देता है। लेकिन बीर सिंह की बैकग्राउंड के बारे में जब मुझे पता चलता है कि इसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल है और ये अपने पत्नी को मारकर उसके लिए जेल भी जा चुका है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं जुड़ती, उससे साफ मना कर देती हूँ। फिर कुछ दिन का समय और बीतता है जब इसका ही भतीजा राजू एक दिन इसके साथ हमारे घर पर आ जाता है, वो भी मुझे देखता है तो
बड़ी पैनी निगाहों से मेरी तरफ देखता है, मैं भी उसकी तरफ देखती हूँ, मुझे भी वो अच्छा लगता है। और जब राजू मेरे साथ प्यार का इजहार करता है तो मैं उसके प्यार को इजहार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन का वाक्य होता है जब राजू और मैं एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में थे, तब मेरा पति ये सब देख लेता है। उसके बाद मेरे पति और मेरे बीच में काफ़ी झगड़ा होता है और झगड़े के बाद मैं राजू को लेकर यहाँ से फरार हो जाती हूँ। लेकिन कई दिन बीतने के बाद मैं वापस घर आ जाती हूँ, मेरा पति मुझे वापस मना कर घर ले आता है। फिर घर आने के बाद मुझे लगने लगता है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मैं तो राजू के साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैं राजू के पास फ़ोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि मुझे अब अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। अब राजू भी उससे कह देता है कि तुम चार बच्चों की माँ हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँ, तुम्हारा पति भी जिंदा है और तुम्हारे पति के रहते हुए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर पत्नी कहती है कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब जो राजू होता है उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिन का वाक्य होता है जब 14 नवंबर को रात को करीब 10:30 बजे के करीब जो होती है, रामकली अपने बॉयफ्रेंड राजू के पास फोन करती है और उससे कहती है कि आज मेरा पति शराब पी कर आया है, आज मौका अच्छा है, इसे रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर राजू उसे साफ मना कर देता और कहता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो मेरा चाचा बीर सिंह यहाँ पर है, आप उससे बात कर लीजिए। पत्नी बिना कुछ सोचे समझे बीर सिंह के पास फोन मिला देती है और उससे सारा वाक्य बताती है। तो बीर सिंह उससे शर्त रखता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाना है तो मेरे साथ में संबंध बनाने होंगे। इसके लिए पत्नी राजी हो जाती है और रात को करीब 11:30 बजे के वक्त बीर सिंह उसके घर पहुंच जाता है। और जब पति को देखते हैं तो पति बेसुध हालत में होता है, तभी वो एक वायर बिजली के अंदर लगाते हैं और दूसरी वायर उसके पैर में बांध देते हैं, बांध कर रखा जाता है, तब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाता है। उसके बाद जो पिछला दरवाजा होता है उससे उसके पैरों को रस्सी से बांधकर वहां से घसीटते हुए उसे आगे एक नदी में जाकर फेंकना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो औरत रात को जंगल में आ जाती है। उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति यहां पर आ पहुंचा है, इसलिए उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस सब मामले का जब पूरे गाँव वाले लोग खुलासा सुनते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सभी यही कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं ऐसी औरत को जिंदा रखने का कोई अधिकार नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए, इसे तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।